देहरादून में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे ई रिक्शा चालकों के बीच पूर्व सीएम हरीश रावत पहुंचे, जहां पर उन्होंने ई रिक्शा चालकों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके के नियम कानून इनके लिए बनाए गए हैं, उससे इनकी बर्बादी निश्चित है। ऐसे में ये लोग भी काम कर सके और अपने परिवार का पेट पाल सके तो इनको भी कुछ राहत दी जानी चाहिए। बता दें कि प्रदर्शनकारी हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। असल में ये एक मानवीय समस्या भी है ई रिक्शा वाली। यदि ट्रैफिक के सुधार की बात है तो उसके साथ साथ उनके जीवित रखने की बात भी है। यदि उनके परिवार बर्बाद हो जाएंगे तो हम कहाँ से इतने लोगों को काम देंगे, और जिस तरीके के रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं उनमें उनकी बर्बादी निश्चित है। इसलिए मैं उनके प्रति सहानुभूति के बसीभूत होकर के आया हूँ, और इसीलिए मैंने अधिकारियों से भी बातचीत की है और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ रास्ता समाधान निकल।